श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथाजु के प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे शरणागति की छह लक्षण है। पहला है दीनता, पहले है दीनता है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं भक्ति करने के लिए चार गुण चाहिए। क्या क्या है, क्या चाहिए? चार गुण चाहिए। हरि नाम करने के लिए चार गुण चाहिए। बोले त्रिनादपि सुनि चैन तररपि सहिष्णु न अमानीनांग मान देन कीर्तनीय पत्री से अपने आप को ज़्यादा नीचू मानो, पेड़ से ज़्यादा हमें सहन शक्ति चाहिए। इसलिए बोले जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो ना सहे। इसलिए हमें भक्ति करने के लिए सहन शक्ति चाहिए। थोड़ी सी अगर इधर उधर हो गया मचल गए फिर तो फिर भगत कैसे, भगवान कैसे प्राप्त करोगे। गुरु जी एक छोटी सी कथा सुनाते थे। एक समय मंदिर में कोई ब्रह्मचारी था, उसका रोज काम था घड़े में पानी भर करके यमुना नदी से लाना
और उसी पानी से ठाकुर जी का अभिशाप होता था। एक दिन कुछ उल्टा पुल्टा किया तो गुरु जी बड़े शासन किया, हैं बोले तुम घर बार छोड़कर भजन करने के लिए आए और भजन का उद्देश्य नहीं रख करके उल्टा पुल्टा करते हो, कोई शासन किया तो उसको क्रोध आ गया, बोले दिन भर सेवा करता हूँ और उल्टा गुरुदेव हमें शासन किया और हम मंदिर में नहीं रहेंगे, हम तो घर में अच्छे थे। इसलिए आज जब मैं यमुना में पानी भरने जाऊंगा बहाना बना करके वही मटकी को वहीं रख करके मैं अपना घर में चला जाऊंगा। जब आया पानी भरने, जब मटकी को रख करके जा रहा था ना, मटकी बुलाए बोले धरा, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले तुम देखा नहीं दिन भर सेवा करता हूँ और थोड़ी सी इधर उधर हो गया, गुरु जी कैसे मेरे को डांट लगाए और मैं घर जा रहा हूँ और हम मंदिर में नहीं रहेंगे, अभी घर जा रहा हूँ। तो मटकी ने कहा देख मेरी कथा सुन, अभी मैं जो रोज रोज ठाकुर का सेवा में लग रहा हूँ, मैं कैसे ठाकुर का सेवा में लग रहा हूँ और अभी मेरे शरीर से सुगंध आती है ना, हैं जैसे देखना जब ठाकुर जी के स्नान कराते हैं इत्र चंदन अगुर कर्पूर व्यवहार करते हैं, फिर उसी हाथ मटकी में लगती हैं, पानी बार बार पानी डालते हैं ना मटकी में लगते हैं, इसलिए मटकी से बड़ी सुंदर खुशबू निकल रहा था। बोले अभी कैसे मेरे शरीर से खुशबू कैसे निकल रहा है और रोज मैं ही पानी लेकर के जाता हूँ तब ठाकुर जी की अभिषेक होता है, मेरे को कैसे ये सौभाग्य प्राप्त होगा, कान खोल कर सुन। बोले पहले लोग जहाँ पर टाटी पेशाब करते थे ना वहीं का में मिट्टी था, किसी कुम्हार ने वहाँ से मिट्टी को वहाँ से लेकर के आए, आप देखे होंगे कैसे मिट्टी का बर्तन बनाते होंगे, ला करके देखना उसको डंडा मार मार करके ना उसको एकदम मुलायम बनाते हैं, पहले तो मेरे डंडे मारे को, डंडे मार मार कर मेरे को मुलायम बनाया, फिर मेरे को धूप में सुखाया है, और धूप में आपको पता होगा कितने कड़क धूप होता है कितना कष्टीय है, मेरे को फिर धूप में सुखाया, फिर उसके बाद में फिर इतने में ये नहीं फिर पानी डाला, पानी डाल करके फिर प्यार में रौंदते हैं, देखे होंगे मिट्टी को मुलायम बनाकर प्यार में रौंदते हैं, फिर मेरे को उसने प्यार में रौंदा बहुत अच्छे करके, इतने में चैन नहीं, अब देखने जो मिट्टी का पात्र बनाते हैं हैं, फिर मिट्टी को फिर उसके ऊपर चढ़ाते हैं, चढ़ा करके जब मिट्टी का पात्र बनाते हैं ना, देखना जो कलसी होता है उसको नीचे हाथ रख कर डंडा होता है ऐसे ऐसे मारते हैं, मार मार कर मार मार कर उसको मुलायम बना करके उसको एक मटकी बनाते, बोले इतने में मेरे को छोड़ नहीं दिया, फिर मेरे को धूप सुखा धूप में दे दिया डाल दिया, फिर कितने धूप सहाया मैंने, बोले इतने में उसने छोड़ा नहीं, फिर मेरे को भाटी में डाल दिया, अब देखोगे भाटी में कोयला और उसमें लकड़ी देकर के ना ऊपर से पूरा पोत देते हैं मिट्टी से, जैसे धुआं तक भी नहीं निकले हैं, इसलिए पूरा उसके अंदर में चार पाँच दिन तक उसके अंदर में आग जलती रहती है, आग जलती रहती है, जलते 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 जाकर के कहीं वो पकता है, मेरे को इतना कष्ट दिया उसने, इतने कष्ट दिया उसके अंदर में श्वास भी ले नहीं पाया, हाँ इतने कष्ट दिया तभी मेरे को नहीं छोड़ा, फिर मेरे को लेकर मार्केट बेचने के लिए ले गया। अब देखना जो मिट्टी का बर्तन बेचते हैं ना पास में के डंडा रखते हैं, और डंडा जो आता है ना उसको कान पकड़े उठाए और मारता है, जो आएगा कान पकड़ कर उठाएगा और उसको डंडा मारेगा, उससे पता चल जाता है लकड़ी ये मटकी फटी हुई ना सही है, जो आए डंडा मारे, जो आए कान पकड़ कर उठाए, जो आए डंडा मारे, ऐसे करते करते मेरे भाग्य से कोई एक साधु आया, साधु आकर के मेरे को खरीदी करके लेकर गया, लेकर के अभी पानी में जो डूबा था ना, अब पानी को डूबा हो कैसे लगेगा, श्वास नहीं जाएगा, और मेरे को रोज पानी में डूबाता है, डुबो डुबो कर ठंडा हो गर्मी हो डुबोएगा, और डुबा करके पानी भर करके ले आता है, फिर अभी मैं जा करके ठाकुर जी की सेवा में लग रहा हूँ। ये गुरु जी बारम्बार ये कथा सुनाते थे, ये ब्रह्मचारियों को विशेषकर गुरुदेव ब्रह्मचारियों को कथा सुनाते थे, आप देखना घर में सबका लाद खाते हैं, बीवी का ही लाद खाएगा, बेटा के बेटी की मैया की परिवार सबका डांट खाता है संसार में, सेवा करेगा सबका लेकिन डांट पड़ेगा उसको, सारे डांट खाएगा, लेकिन मंदिर में अगर थोड़ी सी कोई डांट पड़ जाए ना, बोले हम इसलिए मंदिर में आए, हम जा रहे हैं इसलिए मंदिर में आए, हम तो गुरुदेव डांट रहे, इसलिए गुरुदेव ये कथा को बारंबार बीच बीच में जब कोई ब्रह्मचारी उल्टा पुल्टा करे गुरुदेव डांट लगाते थे, उनका मन खराब होता था तो गुरुदेव यही कथा को सुनाया करते थे, हैं
बार बार मथुरा में देखा महाराज जी बार बार ये कथा को सुनाते थे। इसलिए यहाँ पर कहते जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो नाश है। इसलिए दैन्य फिर भगवान के चरण में आत्मसमर्पण है, भगवान हमें पालना करेंगे है, फिर भगवान हमें रक्षा करेंगे। इसलिए कल हम लोग यहाँ तक सुन रहे थे क्यों भगवान रक्षा करेंगे, कैसे रक्षा करते हैं भक्तों को, उन्होंने कैसे कैसे रक्षा किया है। हाँ जैसे श्री हरदास ठाकुर है, जब हरदास ठाकुर को बोले हरदास तू ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे। ये हरि नाम तुम नहीं कर सकते हो, मुसलमान होकर के हिंदुओं का हरे कृष्ण करते हो हैं, इसलिए हरे कृष्ण नाम छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने क्या बताया, अगर मेरे शरीर को बोटी बोटी करके काट डालोगे तभी मैं बदन में हरि नाम में नहीं छोड़ सकता हूँ। बोले हरि नाम नहीं छोड़ोगे? बोले नहीं। बोले ले जाओ उसको, 22 मार्केट था, सबको दिखा दिखा करके ऐसे मारो, 5-6 हैं सैनिक गए ऐसे सबको दिखा दिखा करके मार रहे थे। मतलब जो मुसलमान होकर के हिंदुओं का वाणी हरे कृष्ण नाम कर उसको क्या दंड मिलता है, दुनिया देख करके इससे वो सीख ले और कभी कोई ये हरे कृष्ण नाम नहीं करे। ऐसे उसको मार रहे थे, ऐसे कोड़ा पड़ रहा था उसको ऊपर में, लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बोले प्रभु ये मूर्ख हैं, इनके अपराध को माफ कर दो। भगवान चक्र लेकर के आ गए, मैं सबको मैं सब खत्म कर दूंगा, मेरे भक्तों के ऊपर में इतने अत्याचार, लेकिन ये उल्टा उनका कल्याण सोच रहे थे। फिर भगवान देखे भैया जब मेरे भक्त ही इनका कल्याण सोचते हैं मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, भगवान अपना पीठ को उनके ऊपर लगा दी, सारे जितने डंडे पड़े सबके सब श्री हरिदास ठाकुर के ऊपर पड़े हैं, हरिदास ठाकुर जी के ऊपर पड़े। इसलिए हरिदास ठाकुर को ये पूर्ण विश्वास है, क्या पूर्ण विश्वास, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, जरूर रक्षा करेंगे। जब हैं दुनिया को जो बुलाए नहीं बुलाए जो उनको रक्षा करते, ठाकुर हमें क्यों नहीं रक्षा करेंगे, हम ठाकुर जी की शरण में गए हैं, हम ठाकुर जी की शरण में गए, ठाकुर जी हमें पूर्ण रूप में ठाकुर जी रक्षा करेंगे। इसलिए उनको पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास उनको था। इसलिए प्रहलाद महाराज के जीवन में देखो हैं, उसको पिताजी कहाँ पहाड़ का ऊपर से फेंकवा दिया, ठाकुर पकड़ लेते अग्नि में डाल दिया, भगवान तो भी बचा लिया है, उसको अस्त्र शस्त्र से काटे लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों, कारण क्यों नहीं हुआ? बोले भगवान की गोद में वो बैठा हुआ था ठाकुर जी की, हाँ जैसे माँ बच्चे गोद में बैठती है ना, इसलिए जो प्रहार होगा भगवान के ऊपर में पड़ा, उनके ऊपर लगा ही नहीं, उनके ऊपर लगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं भक्तों का भगवान का प्रति उनको पूर्ण विश्वास होनी चाहिए, भगवान हमें रक्षा करेंगे। जैसे जड़ भरत जा रहा था, रघुवन महाराज जा रहे थे कपिल मुनि आश्रम में, जब एक कार का तबीयत खराब हो गया, जो मिले पकड़ करके ले आओ, पकड़ करके ले गए हैं, हाँ नहीं पकड़, फिर उनको जब नहीं पकड़ करके ले गए, फिर उन्होंने जब जंगल में भरत महाराज थे उस समय कोई डाकू का सरदार था, देवी के पास में मनोहित रखा था, क्या मनोहित, घर में एक बेटा होगा तो तेरे पास में नरीवल दूंगा, ढूंढ कर ले आओ जो मिले, बस मिल गया जड़ भरत। अरे वाह इतने बड़ा सुंदर, लंबा और चौड़ा, हट्टे कट्टे बड़े सुंदर, मैया तो बड़ी खुश हो जाएगी हैं, बड़े खुश हो जाएगी। उसको लेकर के आए और बलि देने से पहले उसको स्नान कराते, रगड़ रगड़ के स्नान कराते, बहुत खुश हो रहा था, बड़े दिन में पहले तो स्नान नहीं किया था, प्रभु के भजन में मस्त रहता था, इसलिए बड़े मल मल कर बोले वाह बड़े दिन में बढ़िया स्नान करा रहे। हाँ उसके बाद में उसको कपड़ा पहना है, वाह सुंदर सुंदर कपड़ा पहने रहे, हाँ खुश हो रहा है बड़े सुंदर कपड़ा पहने रहे, और गले में फूलों की माला डाल के, अरे वाह बड़े सुंदर। अब बलि देने से पहले ना उसको पेट भर करके भजन कराते, बोले बड़ी भैया बड़े दिन में बढ़िया बढ़िया भजन मिल रहे हैं, लेकिन उसको बलि चढ़ेगा, अब उसको बलि चढ़ेगा, उसको उसको पता है हमें बलि चढ़ाएंगे, हाँ उसको पता है, लेकिन मस्त है। बोले क्यों मस्त है, कारण किया, बोले इसलिए मस्त है उसको पता है हम ठाकुर जी की शरणागत हैं, हम ठाकुर जी की शरणागत हैं, राखे हरि तो मारे की,
हैं जाके रखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जग भैरी हुई। शरणागत है ना वो पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर में, ठाकुर मेरे को जरूर रक्षा करेगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ होगा तो ये ठाकुर जी की इच्छा से ही होगा, उनको इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता, उसको पूर्ण विश्वास है। उसको ले गए, उसको एक लकड़ी होता है ना है? लकड़ी को अंदर में गलग फंसाते हैं उसको काटने से पहले, उसको कोई चिंता नहीं, आनंद है, मस्त है मस्त है। उसको गला को जब दबा दिया, जब उठाया तलवार, माँ को सामने कर रहे थे ना, ये तो परम वैष्णव है, है ये परम वैष्णवी माता जी परम वैष्णवी है। बोले घोर पाप मेरे सामने, और भगवान की भक्तों को कितने बड़े अपराध है, वैष्णव अपराध। माँ स्वयं प्रकट हो गई और जो तलवार लेकर के हत्या करने जा रहे थे ना, तलवार उन्हें छीन लिए हाथ से, छीन करके जितने वहां डाकू थे सबके गला को उन्होंने काट दिए और उनको सर को लेकर के गेंद खेलने लग गई माता जी वहां पर है, सारे गेंद खेलने लग गई। इतने में जब ये हो गया फिर माता जी फिर भरत को अपना गोद में बैठा दे, बैठा करके बोले बैठा कितने बड़े मेरे सामने अपराध होने जा रहा था, आप ऐसे पागल जैसे रह रहे हो, दुनिया को पता नहीं चलता है। हाँ पागल तो है ही हो, कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने पागल सब झूठा पागल है, सच्चा पागल है कौन है, जो पागल है श्री बांके पागल तो है ही है, पागल पागल नहीं बने बगैर अब देखना भगवान नहीं मिलते, तो पागल नहीं होगा ना भगवान नहीं मिलते, इसलिए पागल तो एक दिन बनना ही पड़ेगा उनके लिए। इसलिए कितने बड़े अपराध होने जा रहा था, तुमने हमें बचा दिया है भगवान, कितने बड़े कृष्णा अपराध है। अरे वो वहां से चल पड़े। ऐसे ही श्री अम्बरीश महाराज है, जब से दुर्वासा जी उनको मारने के लिए जब उन्होंने ऊपर कृत्य निक्षेप किया, लेकिन उनको कोई डर नहीं है, उनको डर ही नहीं, वो हाथ जोड़ कर खड़े हुए, उनको पता है ठाकुर रक्षा करने वाले। इतने में जो कृत्य राक्षस प्रकट हुई, सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया और उसको मार डाली, मार करके फिर दुर्वासा जी का पीछे उन्होंने पीछा, दुर्वासा जी का पीछा किया, फिर दुर्वासा से मारे मारे भटकते रहे है? क्योंकि ये शरणागत भक्त है। हाँ यहाँ पर ये है, हमारा भजन जितने पक्का होगी ना, जितने भजन हमारी पक्की होगी तभी हमें फिर तो विश्वास होगा, तब तक हमारा भजन पक्का नहीं होगा भगवान पर तो विश्वास नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए दुर्वासा जब भागते भागते नारायण के पास में गए, भगवान कह रहे तू अपना को इतना बड़ा जोगी समझते हो और उनको समझते हो गृहस्थ है, तुम्हारी शरणागति कहाँ, जब तुम उनको मारने के लिए कृत्या को प्रकट की वो इधर कहीं भाग रहा था तुम्हारी जैसे, वो तो हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ है, भगवान अगर जिसको रक्षा करके उसको कोई बिगाड़ नहीं सकते, वो तो हाथ जोड़ खड़े हुए ठाकुर को जो इच्छा ही होगा है, तुम उनको गृहस्थ साधारण समझते हो और तुम इतने बड़े जोगी और तू कहाँ दर दर भटक रहे हो, ब्रह्मा जी के पास में भगे, फिर शंकर जी के पास में भगे, फिर मेरे पास में वैकुंठ तक तुमने भागते भागते आ गया, वो कहीं भाग रहा है हैं, बताओ तो दोनों में कौन बड़े हुए हैं, बताओ दोनों में कौन बड़े हुए है। हाँ इसलिए प्यार में कांटा चुभने से सर पर नहीं निकलते, वो प्यार में निकलेगा, जाओ अम्बरीश के चरण में जाओ, फिर उन अपना ज्ञान अपना विवेक अपना बुद्धि अपना जो को धिकार दे रहा था, हाँ धिकार मेरे जो को तपस्या को, धिकार मेरे सारे तपस्या हैं। एक अम्बरीश महाराज है गृहस्थ साधारण भक्त, उसको सामने देखो मेरे को जा करके उनको चरण में माफी मांगना पड़ रहा है। इसलिए आज मैंने भक्तों का महिमा को समझा, भक्तों का महिमा कितने बड़े भक्तों में, इसलिए कहते रक्षिष्यति इति विश्वास, कहते भक्तों का भगवान का प्रति संपूर्ण विश्वास रहता है भगवान हमें रक्षा करेंगे। अभी कहते जो पंचमा शरणागति है, कहते अनुकूल का ग्रहण करना और छठमा प्रतिकूल को त्याग देना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो अनुकूल को जो ग्रहण करना, कैसे अपना जीवन में ये चीज को उतारे, तब श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन का माध्यम से उसको समझा रहे हैं। बोले तू आ भक्ति अनुकूल
जय जयकार जय परम जतनेता सर्व निश्चय भक्ति अनुकूल जत विषय संसारे करिब ताहा तेरति इंद्रिय द्वारे सुनिब तुमार कथा जतन करिया देखिब तुमार धाम नयन भरिया। यहाँ पर एक कीर्तन के माध्यम से भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं जो काम करने से भगवान की प्रसन्नता गुरु वैष्णव का प्रसन्नता उसको ही संकल्प, संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, वही काम को ही करूँगा। जो भक्ति के प्रतिकूल बात है, हैं, जो काम करने से भगवान गुरु वैष्णव संतुष्ट नहीं होंगे वो काम को हम नहीं करना है, हैं। तब यहाँ कहते हैं भक्ति के अनुकूल क्या क्या चीज है, हैं? तब एक उदाहरण देकर कह रहे हैं जो काम करने से तुम्हारी भक्ति बढ़ती है हे प्रभु वही कार्य को करूंगा। कैसे? भले जतन करके करूंगा, हैं? निश्चित तो होकर वो काम का करूंगा। कहते जितने भक्ति अनुकूल का विषय है संसार में, हैं? ताहा द्वारा क्या करेंगे? कहते इंद्रियों को द्वारा वही वही काम करूंगा, हैं? जो काम करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। कहते हैं भगवत तुम्हारी जो कथा है बड़े जतन करके प्रभु कानों में तुम्हारी कथा को श्रवण करेंगे। और कहते तुम्हार जो धाम है, हैं? तुम्हारी धाम में जाऊंगा, तुम्हारे धाम को नयन को भर करके तुम्हारे धाम को दर्शन करूंगा। और तुम्हार जो प्रसाद है, हैं? तुम्हार प्रसाद को छोड़ करके और दूसरे चीज हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसी चीज को ग्रहण करेंगे। तुम्हारी भोग में जो लगा हुआ वस्तु है, जैसे हम कहीं बाहर जाकर कभी खरीदी खरीदी करते हैं, घर में तो प्रसाद खा लेते, जब बाहर जाते हैं फिर क्या करोगे? अगर कोई चीज ग्रहण करोगे पहले उसको ऊपर में, जैसे अगर तुलसी कंठी से स्पर्श करा सकते हो एक है, अगर उसका नहीं होता ना उसको ऊपर में, जैसे वृंदाई तुलसी देव भाई प्रियाई के सब सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमः, इसका मंत्र को बोल करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र नहीं तो जो गोपाल मंत्र है ना 10 बार उसको ऊपर हाथ रख करके, ऐसे हाथ रख करके उसको ऊपर 10 बार गोपाल मंत्र पढ़ देना, उसको द्वारा क्या होगा? ठाकुर जी को भोग लग जाता है, फिर उसको ऐसे ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए विष्णु नैवेद्य तुलसी ग्रहण करी वो भगवान की जो चरण की तुलसी काम नियोग करीब तुम्हार विश्वसी जन क्रोध देखाईब। यहाँ करते हैं हे प्रभु इन हाथों में वही वही काम को करूंगा जिसको द्वारा तुम्हारी ही संतुष्ट हो, तुम्हारी सेवा हो, इन्हीं हाथों से ऐसे कोई काम नहीं करूंगा। अब कह रहे हो वहां रहने के लिए बचा तो गड़ी में रह रहे, तो यहाँ पर कहते हैं काम, लेकिन वहाँ एक एक महीना रहते थे, लेकिन 10 महीना रहते थे कलकत्ता में। बोले क्यों? बोले वहाँ पर महाप्रभु का सेवा हो रहा था, प्रचार हो रहा था, महाप्रभु का नाम कीर्तन भगवान की भक्ति के प्रचार, लोग ज़्यादा वहीं पर कथा सुनने आते थे, इसलिए गुरुवर्गों का उन्हें जो ज़्यादा महत्व दिया है जहाँ पर हरि भक्ति की प्रचार हो, जहाँ पर हरि भक्ति प्रचार हो, जहाँ पर हरि कथा हो, वो स्थान को ज़्यादा यद्यपि सुनी चना त्रिने से भी ज़्यादा दीन ही नहीं होनी चाहिए। कोई बोलते हैं ना बोले इसलिए हम किसको कुछ बोलेंगे नहीं, बोले नहीं, अगर कोई भगवान की प्रतिकूल बात करता है, भगवान के विद्वेष का कोई बात करते हनुमान बन जानी चाहिए, कहते वहाँ पर हनुमान बन जानी चाहिए। हनुमान में तो क्रोध दिखाए ना पूरा, लंका को उसने जला दिया। इसलिए अगर कोई गुरु वैष्णव का निंदा ठाकुर का निंदा सुन लिया नहीं, कहते उनका जीवा काट देनी चाहिए। कैसे? बोले शास्त्र युक्ति तर्कों को द्वारा उसका बात को हमें खंडन करनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई गुरु वैष्णव का निंदा कर दिया सुन लिया और वहाँ चले आए, नहीं है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जितने हमें पता है उनको समझानी चाहिए, नहीं ये बात गलत बात है, हैं? ये बात गलत बात, उसको समझानी चाहिए, हैं? इसलिए क्रोध यही रूप प्रवृत्तिर आर सर्व भाव
हुआ अनुकूल है लाभ का प्रभाव हुआ भक्त अनुकूल जहाँ जहाँ करी हुआ भक्त अनुकूल बलि कहा धरी भक्ति विनोद नाही जाने धर्म धर्म भक्ति अनुकूल कार्य हाउ सर्व का कर्म। यहाँ पर कहते हैं तुम्हारी भक्ति की अनुकूल है जो तुम्हारी भक्ति के अनुकूल वही वही काम हमें करना पड़ेंगे और तुम्हारी भक्ति की अनुकूल तहा धरी वही काम करूंगा वही चीज को ग्रहण करूंगा अगर देखूंगा उसमें तुम्हारी प्रीति है। जिसमें तुम्हारी प्रीति नहीं वो काम को नहीं करेंगे वो काम को नहीं सुनेंगे वो काम को हम करेंगे नहीं। इसलिए भक्ति मनो ठाकुर कहते प्रभु मेरे को धर्म फर्म कुछ आता ही नहीं हमें धर्म फर्म कुछ पता ही नहीं इसलिए हैं भक्ति अनुकूलता रहो सर्व काम। प्रभु इतना आशीर्वाद करो जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारी खुश हो जैसे वही काम को ही जीवन में हम करें। इसलिए यहाँ पर जो एक जो कीर्तन गाते हैं ना शुद्ध भक्त चरण रेणु उसको कहते हैं अनुकूल ग्रहण वाचिक और मानसिक। कहते वाचिक मतलब वाणी को द्वारा और मानसिक मतलब मन से। कहते वाणी और मन से कैसे हम अपना जीवन में अनुकूल को ग्रहण करेंगे तो ये भजन को गाते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल शुद्ध भक्त परम रेणु भजन अनुकूल। यहाँ पर पूरा ये भक्ति में है कैसे भक्ति को चीज को हम ग्रहण किस किस रूप में वाणी और मन में ग्रहण करनी चाहिए कह रहे हैं। क्या करनी चाहिए हमें बोले शुद्ध भक्तों का चरण रेणु को ग्रहण करनी चाहिए। बोले क्यों बोले भगवान की भक्ति में बड़े जल्दी प्रभु की प्रेम को प्राप्त होता है शुद्ध भक्तों का चरण धूलि। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तीन चीज जल्दी से जल्दी प्रभु प्रेम प्रदान करता है एक भक्तों का चरण धूलि दूसरा भक्तों का चरणामृत तीसरा भक्तों का अधरामृत। ये तीन चीज जल्दी जल्दी प्रभु का प्रेम को प्रदान करने वाले। कहते भक्तों का जो सेवा है कहते परम सिद्धि जितना सिद्धि हमें सबसे जो बड़ा सिद्धि है कहते शुद्ध भक्तों का सेवा है। बोले कारण है कहते उनके हृदय में भगवान की निवास उनके हृदय में होते हैं। जब कोई शुद्ध भक्तों को हम खुश कर देते हैं फिर भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं और प्रेम लति का मूल प्रेम का जो लता है ना सबसे जल्दी जल्दी तभी बढ़ती है जब हम भक्तों का सेवा करते हैं भक्तों की हम सेवा करते हैं। इसलिए कहते माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी कृष्ण बसति बोली परम आदर बारी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। क्या करनी चाहिए बोले माधव तिथि भक्ति जननी एकादशी व्रत करनी चाहिए क्योंकि ये भक्ति की माँ है उस जतन करके पालन करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण बसति बसति बोली परम आदर बनी बोले भगवान का जो लीला स्थली है उस स्थान को बड़ा आदर करनी चाहिए। और श्रीमन महाप्रभु ने जिस स्थान को महाप्रभु ने भ्रमण किया है कहते वो सब स्थान को कहते भक्तों की आनुगत्य में कैसे भक्त बोले प्रेमी की भक्तों की आनुगत्य में वो स्थान में जा करके वो लीला स्थली दर्शन करनी चाहिए। जैसे नवद्वीप धाम जाएंगे हैं गुरु जी के अनुगत्य में नवद्वीप धाम दर्शन करते हैं जैसे ब्रजमंडल कभी कभी जाते हैं वहाँ जाकर कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं ब्रजमंडल को हम दर्शन करते हैं बोले मृदंग वाद्य सुनित मन अवसर सता जाचे गौर भीत कीर्तन सुने आनंद हृदय नाचे। यहाँ पर कहते हैं जो ये मृदंग है ना कहते मृदंग का जो वाद्य है कहते उसको सुनते देखना मन खुश हो जाता है। इसलिए बोले ब्रह्मांड भर दिया ध्वनि पूरी आकाश जब मृदंग बजती है ना उसकी इतनी शक्ति है क्योंकि बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु हैं कहते इनकी आवाज़ सुनते अपने हृदय में
प्रेम की भावना अपने आप जगने लग जाता है। मृदंग हाँ मृदंग की वाद्य सुनते अपने आप मन प्रसन्न हो जाता है मृदंग को सुन करके। और कीर्तन कौन सा कीर्तन सुननी चाहिए, ऐसे उल्टा पुल्टा कीर्तन नहीं सुननी चाहिए, ऐसे कीर्तन सुननी चाहिए जो गौरव विहित तो कीर्तन सुने आनंद हृदय नाचे, जिसमें महाप्रभु का वर्णना नित्यानंद प्रभु उनको शुद्ध भक्तों का जिसमें वर्णना हो वो कीर्तन को सुन करके क्या होता है कद हृदय उत्फुल्ल हो जाता है। बोले जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद प्रसाद सेवा करते हाय सकल प्रपंच शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जब हम राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति है जैसे ठाकुर जी का जुगल मूर्ति है जब जुगल मूर्ति हम दर्शन करते हैं क्या होता है हम बड़ा खुश लगता है ठाकुर जी को दर्शन करके बड़ा आनंद लगता है ठाकुर को दर्शन करके। कहते जो भगवान का प्रसाद सेवा करते हैं उसमें क्या होता है हमारे प्रपंच प्रपंच मतलब माया संसार का प्रपंच बड़ा ये प्रपंच है मतलब माया है। कहते भगवान का प्रसाद सेवा करने से कहते जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, अगर ठाकुर जी को भोग लगा अगर खाओगे क्या होगा प्रसाद सेवा करने से। कहते हमारी अपने आप जितना जो इंद्रिय इधर उधर उल्टा पुल्टा गद्दी गद्दी चीज में भटकता है मन भटकता है प्रसाद खाने से बस मन शांत हो जाता है माया को हम आसानी से पार कर जाते हैं भगवान का प्रसाद सेवा करने पर। बोले जय दीन गृह भजन देखी गृह से गोल कभाया चरण से दो देखिया गंगा सुपना सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो सड़ जानी कौर प्रिय साथ सेवनी जीवन सार्थक मारी। क्या कहते हैं जिस दिन गृह भजन देखे गृह तो बोलो भाई जिस दिन घर में भगवान का भजन हो कीर्तन हो वो घर नहीं गृह क्या हो बोलो वृंदावन बन जाता है। इसलिए महाप्रभु संन्यास लेने से पहले सब भक्तों को बुला करके बैठाए समझाए अगर तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो रोज चार पांच भक्त मिल करके हरि हरे नम कृष्ण जादवाय नाम जादवाय माधवाय कृष्णाय नम गोपाल गोविंद राम सुदन सब मिल करके मृदंग बजरा है तो अच्छी बात अगर नहीं हो तो चार पांच बैठ करके मिल करके हाथ में ताली बजाते हुए कीर्तन करना ठीक है ना। घर में जैसे अगर सवेरे कर सकते अच्छी बात है सवेरे अगर समय हो सब मिल करके जब समय हो थोड़ी समय कीर्तन करो देखना थोड़ी सी कीर्तन करोगे ना घर का वातावरण बदल जाएगा पूरा पूरी वातावरण घर के बदल जाता है। दिन भर इतने क्लेश है आप शाम को आओ सब बैठो थोड़ी समय कीर्तन कर लो घर में देखना घर का सारे दुख खत्म हो जाएगी घर में घर सख्यात भगवान का धाम बन जाएगी मन का ग्लानी खत्म हो जाएगी केवल पाँच दस मिनट बैठ कर केवल कीर्तन कर लो। इसलिए जे दिन गृह भजन देखे गृह तो गोलक भाई और गृह क्या हो जाता है गोलक वृंदावन बन जाती है। बल्कि चरण सिंधु देखिया गंगा सुख नाशी सीमा पाए इसलिए कहते जो गंगा है भगवान की चरणामृत है ठाकुर जी की चरणामृत चरण में कोई पार्थक्य नहीं है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगी है शंकर जी को अपना जटा में धारण करते हैं इसलिए उसको देख करके परम आनंद होता है। कब तुलसी देखे जुड़ाए पान कभी जब तुलसी को दर्शन करते हैं तुलसी कौन है वृंदाए तुलसी देव कई प्रियाए के कृष्ण भक्ति देवी रोज तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी में पानी देनी चाहिए तुलसी की आरती करनी चाहिए। इसलिए तुलसी देखे जुड़ाए माधव तो सुन जानी गौरव प्रिय साख सेवन जीवन साथी बने कभी जो साख ना जो हरी सब्जी है कहते महाप्रभु का बड़ा प्रिय साग है बस भगवान भोल लगा खाओ तो हमारे जीवन धन्य होगी क्यों महाप्रभु का ये प्रिय साग है। इसलिए कहते भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल जो हमें मिलता है हैं रोज रोज परम आदर पूर्वक उसको स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए भक्ति के अनुकूल मतलब जिसमें गुरु वैष्णव भगवान संतुष्ट हो
जीवन में वही वही चीज को हम अपना जीवन में उतारनी चाहिए। भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु है, जिसमें गुरु वैष्णव भगवान जिसमें संतुष्ट नहीं होंगे, वो जल्दी जल्दी करते हैं। कल हम लोगों को 9 बजे से कथा, 9 बजे कोई नहीं आएगा, सब सोते रहेंगे। हम चले जाएंगे 9 बजे, 9 बजे हमसे चली जाएगी। हाँ हाँ हरे कृष्णा, ठीक है। बोले नीताई गौर प्रेमानंद जी, गाजर का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं।